नकुल वीर को रश्मि स्थी ने घायल कर छोड़ा था, माँ कुंती को वचन दिया जो वचन नहीं तोड़ा था। अर्जुन और युधिष्ठिर ने भी कौरव दल को काटा, इधर भीम ने समर भूमि को अरिमुंडों से बांटा। तलवारों तीरों ने जाने कितना लहू बहाया, मगर शाम तक निर्णय कोई साफ नहीं हो पाया। कौरव पांडव लौट गए थे हार जीत का भ्रम ले, रथी सारथी पैदल सेना लौटी आंखें नम ले। लेकिन दुर्योधन क्रोधित था, रश्मिर्थी के रण पर बोला करना लड़े यूं ही तो युद्ध चलेगा क्षण भर। अर्जुन कुरु सेना को यदि यो पशु सा मारेगा तो फिर कुरुक्षेत्र में कल भी सूर्य पुत्र हारेगा। बोला कर्ण मुझे मारे जो भू पर बांध कहाँ है, विजय विवश हो पीछे आती चलता कर्ण जहाँ है। पर केशव सा कुशल सारथी उसके साथ खड़ा है, इसीलिए तो कुरुक्षेत्र में डटकर पार खड़ा है। मेरा भी रथ अगर शल्य कर रंथल में होकेंगे तो समझो पांचों पांडव भी बगलों को झांकेंगे। दुर्योधन ने किया निवेदन पास शल्य के जाकर, सुना शल्य ने जैसे ही वो बोला यूं चिल्लाकर, सूत पुत्र है कर्ण और मैं गर्वित मद्र राज हूँ, भुजबल में है तुझ कर्ण में उन्नत शैल राज हूँ। मैं उसका रथ हाकूंगा, ऐसा समय अगर आएगा तो फिर इस दुस्साहस का भी दंड कर न पाएगा। विनत सुयोधन बोले सचमुच मेरी मजबूरी है, बिना आपके रण में उसकी जय से भी दूरी है। केशव ने भी मित्र धर्म में अर्जुन का रथ हाँका, इसीलिए तो रण में उसका हुआ बाल कब बांगा। अगर आप बन गए सारथी साहस ना रीतेगा, अर्जुन का वध करके ही बस कर्ण समर जीतेगा। अनुनय और विनय के आगे सदा हारती हट हैं, स्वीकृतियां बन गई सहज ही नाना की जो रट हैं। शल्य कर्ण के बने सारथी जो खुद महारथी थे, रणभेरी बज गई युद्ध की शस्त्रों सहित रथी थे। लगे युद्ध में बाण बरसने, तलवारें चमकी थी, गदा भीम की पड़ती थी तो धरती भी थमकी थी।